कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओखला की सब्जी मंडी में लोगों को मास्क पहनने के लिए और 2 गज के लिए किया गया जागरूक। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओखला मंडी की, जहां पर आपको बता दें कई ऐसे लोग मिले जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था और बिना मास्क के वो लोग बैठकर सब्जियां बेच रहे थे। ओखला की सब्जी मंडी में हजारों लोग रोजाना आते हैं और उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर अब सिविल डिफेंस के लोग पहुँचे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना से कैसे लड़ना है और किस तरीके से अपना बचाव और दूसरे का बचाव करना है। तस्वीरें हम आपको ओखला सब्जी मंडी की दिखा रहे हैं। जो बाहर से आए भाई मंडी के, वो भी मास्क लगा के रखे और 2 गज की दूरी बना के रखे और अपना अपना सामान उठा कर भाई सभी आदमी अपने अपने दुकान पर रख लो। अब मंडी की सफाई होगी भाई, जो नीचे बैठेगा उसका सामान उठा लिया जाएगा, क्योंकि मंडी की सफाई होगी भाई और अपना अपना सामान उठाएगा भाई। कम से कम 2 गज की दूरी जरूरी है भाई, रखे और 2 गज की दूरी बना के रखे और अपने अपने सामान उठा कर भाई सभी आदमी अपने अपने दुकान पर रख लो। अब मंडी की सफाई होगी भाई, जो नीचे बैठेगा उसका सामान उठा लिया जाएगा, क्योंकि मंडी की सफाई होगी भाई और अपने अपना सामान उठाएगा भाई सभी आदमी अपने अपने दुकान पर रखो और सभी आदमी मास्क लगा के रखो और 2 गज की दूरी बना के रखो भाई। आपका नाम? योगेश कुमार जी। किस तरीके से यहाँ पे आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोग मास्क पहन के जो नहीं आ रहे हैं? हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं मास्क पहने, मास्क से बचाव के लिए कोरोना वायरस के उसमें चलते हुए, जो भी बाहर से आ रहा है वो मास्क पहने, जितने लोग यहाँ सब्जी बेच रहे हैं वो मास्क पहने, मास्क पहनेंगे सैनिटाइजर यूज करेंगे उससे उनके लिए भी सेफ्टी, उन्हें घर परिवार के लिए भी सेफ्टी है इसलिए। तो क्या देख रहे हैं लोग यहाँ पालन कर रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग पालन कर रहे हैं, कुछ हैं जो नहीं कर रहे, उनको हम समझा रहे हैं भाई ये बीमारी किस तरह जानलेवा है, खतरनाक है आपके लिए आपके परिवार के लिए, लोग बहुत धीरे धीरे बात मान रहे हैं इसलिए। तो और किस तरीके से इस और कोई कार्यक्रम चलते हैं यहाँ पे? होता है, पूरी टीम है हमारे साथ में, जो अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है, नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं यहाँ पे, उस हिसाब से जो भी पॉसिबल हम लोग कर रहे हैं।